जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलतियां लोगों से हो जाती हैं जब वो सोचते हैं कि काश मैंने ये गलती न की होती। और वो गलती आज के इस वीडियो में ये है कि यदि आपने अपने स्मार्टफोन से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया है, कुछ ऐसे फोटोज़ को डिलीट कर दिया, कुछ ऐसे वीडियोज़ के या फिर एप्लीकेशन के डेटा को डिलीट कर दिया है जो आपको नहीं करने थे और आपको अब वो वापस चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने अपने रिसाइकल बिन से भी उसे हटा दिया है, मतलब आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया है, तो आप उसे कैसे वापस लाओगे? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस मेथड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड बताने वाले हैं जिसके हेल्प से आप अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब आप अपने मतलब जो भी आपके डेटा हैं डिलीट हो गए हैं, जैसे फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन, आप उसे बिना कंप्यूटर के अपने हैंडसेट में वापस ला पाओगे, चाहे वो आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पे कुछ सिंपल से स्टेप है जो आपको लेने हैं, बशर्ते आपको इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, बिना उसके ऑन के आपका वापस नहीं आएगा। तो कुछ स्टेप है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का जो शॉर्टकट है उसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके स्मार्टफोन में सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हो एक ऑप्शन पे जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। आप देख रहे हो आपका यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, आप जैसे टाइप करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपको इसे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है जिसका नाम है बैकअप एंड रीसेट, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन को इंश्योर करना है, ध्यान से देखना है कि दोनों ऑन है या नहीं। आप जो देख रहे हैं बैकअप माई डाटा और ऑटोमेटिक रीस्टोर, आपका दोनों जो है आपका ऑन होना चाहिए। और यदि आपका ऑफ है तो आप दोनों को काइंडली ऑन कर लीजिए, यानी कि उसे एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो अगला स्टेप लेना वो है जिसके बीच में बैकअप अकाउंट को क्लिक करना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जो आपका पुराना वाला ईमेल आईडी है, आपको उसे यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा सबसे ऊपर में जो है बैकअप एंड रीस्टोर, आपको इसे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे जो लोकल बैकअप दिख रहा है आपको इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करोगे आपके जो लेटेस्ट का जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइज का आपको जो बैकअप दिखेगा उसे आपको यहाँ पे खोज लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बैकअप हैं लेकिन जो सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा साइज का है वो है 2.73 GB का, जो कि हमने 6 अप्रैल को लिया था। अब हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर आप वेट करेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे जो डिलीट डेटा है वो आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 259 जो कॉन्टैक्ट्स है वो डिलीटेड है, वो जो कि वापस आने को तैयार हैं। 517 मैसेजेस वापस आने को तैयार हैं। 2664 कॉल लॉग भी वापस आने को तैयार हैं और सेटिंग में भी 5 ऐसे सेटिंग है जो हमने गलती से उसे हटा दिया था, वो भी वापस आ जाएगा। बात करते हैं फोटो और वीडियो का, तो आपको यहाँ पे ऐप्स इंक्लूडिंग डेटा को क्लिक करना है और चले जाना सबसे नीचे में जहाँ पे आपको दिखेगा फोटोज का ऑप्शन। फोटोज को आपको यहाँ पे खोजना है क्योंकि ये अल्फाबेटिकली होता है, तो ये आपका पी से आ जाएगा। ये देख सकते हैं फोटो। अब फोटो में आपके दो चीज़ होते हैं, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दोनों होते हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों अगला स्टेप क्या लेना है कि आपको जो आपका फोटोज है ये आपका यहाँ पे अनचेक नहीं होना चाहिए, इसे आपको वापस से इसे चेक कर लेना, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन इसे आपको क्लिक कर देना है और आपको कुछ देर यहाँ पे इंतजार करना जब तक ये जो रीस्टोरिंग है ये 100% ना हो जाए। और जैसे ही एक बार ये 100% हो जाएगा आपके हैंडसेट में जितने भी पुराने से पुराने डेटा हैं वो सारे आपके वापस आ जाएंगे। हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने डिलीट हुए फोटोज़ को, वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन के भी डेटा को, आप कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को, कॉल लॉग को आप कैसे वापस लाओगे, वो भी विदिन 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ पे आप इसे सीख रहे हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा 56% रीस्टोरिंग सक्सेसफुल हो चुका है और ये आगे भी जाएगा और 100% पे जाएगा। बस कुछ सेकंड आप रुक जाओ, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने हैंडसेट के डेटा को रिकवर करोगे विदिन अ मिनट। जी हाँ, अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे 100% रीस्टोरेशन कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो वापस आया वो आया है 2.73 GB का फाइल और 5 टाइप ऑफ डेटा जो है हमारे वापस आए, जैसे आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो। अब आपको यहाँ पे इसे डन करना है और आप जा करके अपने होम बटन को क्लिक आपको ओपन करके देख लेना है गैलरी में जाके कि आपने जो भी डिलीट किए थे जैसे मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, फोटो, वीडियो, वो आपके वापस आए कि नहीं आए। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प लगा है, आपको लगता है कि हमने मेहनत की आपके लिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा जहाँ पे हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन ट्रिक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, साथ में आप स्मार्टफोन के मास्टर भी बन जाते हैं।